কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। Myself Kaushik Pradarshajana, I am from Indrapur Rajpur, district Kendrapada, state Odisha. Now I am going to explain about my project. The name of my project is Hydraulic Smart Management. We use hydraulic mechanism in the zebra crossing to save the pedestrian's life. Now, every day, there are about 400 people are killed by the road accident while they are crossing the road, mainly pedestrians, cyclists, motorists. There are a huge percentage of death threat in India of the pedestrians. हमारे भारत में लगभग 400 people हर दिन मारे जाते हैं और हमारा देश का position 56th position में है in whole world in the road safety. इसको मतलब बढ़ाने के लिए मैंने इस project को किया है. We use hydraulic mechanism in the zebra crossing. Now I am going to explain the working and the installation of this project. We use four hydraulics in each of the zebra crossing. We under the zebra crossing. When the red light on, then all the cars and the vehicles are stopped. After 30 seconds, the traffic police will off the hydraulic lever and the hydraulic will off like this. Then we made a zebra bridge for the pedestrian. The zebra bridge will up by the hydraulic and connect by the footpath. Then the pedestrian and foot walkers will cross the road, cross the bridge, and on this cross the road by this zebra bridge safely. After 3 minutes, we make a timer on this 30 second. The light will the pole of the each footpath will up and the pedestrian will stop the crossing. Then the traffic police will down the lever and the hydraulic will down like this. Down like this, then the vehicle will continue their work. Then I am going to talk on about the attack of the parliament. 13 December को क्या हुआ था ना, जो 5 टेररिस्ट थे वो क्या कर रहे थे ना, जो एम्बेसडर कार है उसके साथ मतलब घुस गए थे, जो पार्लियामेंट के कैंपस था उसके अंदर घुस गए थे, जिसके वजह से कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको उन्होंने मार डाला था. इसके लिए मैंने एक उपाय ढूंढा है, मैंने एक आइडिया मतलब सोचा है. इफ वी यूज हाइड्रोलिक फोर्स और बैरियर इन इज ऑन एवरी गेट ऑफ द पार्लियामेंट देन इट वर्क लाइक दिस. हमने क्या किया है ना, एवरी गेट ऑफ पार्लियामेंट में क्या किया ना, जो बैरियर होते हैं हमने उसको इंस्टॉल किया है, जिसके वजह से कि उसमें बायोमेट्रिक स्कैनर भी हमने एक लगाया. अगर कोई भी संसद का मतलब कोई एक लोग है, मतलब जो ऑफिशियल लोग है, ऑथोरिटी है, अगर उनका फिंगरप्रिंट स्कैन किया गया, अगर उनका फिंगरप्रिंट मैच करता है ऑफिशियल ऑफ द संसद के साथ में, तब वो बैरियर डाउन होगा. अगर नहीं मैच करता है तो ऑफ होकर रहेगा. अगर डाउन हो जाएगा, अगर मैच किया तो उसके बाद जो लोग होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो अंदर जा सकता है. अगर वो मैच नहीं किया तो ये अपना प्लेस रिमेन करेगा और ये डाउन नहीं होगा. अगर अगर किसी लोग ने मतलब जिस टेररिस्ट ने ब्लैकमेल कर दिया है संसद के ऑफिशियल्स को, तो अंदर हुआ मतलब ऑफिशियल्स से संसद के फिंगरप्रिंट के सहायता से अंदर चले भी गए तो क्या होगा ना, अगर उस लोग ने कुछ भी किया तो इन जो हाइड्रोलिक बैरियर लगे होंगे वो
5 से 10 मिलीसेकंड या उससे भी कम समय के अंदर वो अलर्ट हो जाएंगे और मतलब जो पोल होंगे वो अप हो जाएंगे अप टू 15 to 17 feet, जिसके वजह से उनके पास सिर्फ 2 ही चारे रहेंगे या वो सुसाइड करें और सरेंडर करेंगे। थर्डली नाउ माय थर्ड एम इज यूजिंग हाइड्रोलिक इन टोल गेट टू प्रोटेक्ट द टोल गेट एंड मेड द टोल गेट सेफ। हमने क्या किया है ना, मेनली आप देख सकते हैं हमने क्या किया है ना, जो टोल गेट होते हैं उनमें क्या किया है ना, हमने हाइड्रोलिक हो या मतलब इंस्टॉल किया है उनके जो गेट के अंदर। जब उसके ठीक 15 फीट के पीछे हमने क्या है ना, वेट मेजरमेंट मशीन को हमने इंस्टॉल किया है। उसके जो ट्रैक होते हैं, अलग अलग ट्रैक होते हैं जिसमें टोल गेट में लाइट व्हीकल होता है, हेवी व्हीकल होता है, उसके हिसाब से हमने वेट मेजरमेंट मशीन इंस्टॉल किया है। 1 टन से 25 टन के अंदर जो कार होते हैं वो लाइट व्हीकल के अंदर जाने जाते हैं, जिसके वजह वो जो वेट मेजरमेंट मशीन होगा लाइट व्हीकल में वो 1 से 25 टन के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा लाइट व्हीकल के अंदर। और जो 25 टन के अबव उसका जो वेट मेजरमेंट का मशीन है उसको हम हेवी व्हीकल में इंस्टॉल, हेवी व्हीकल रूट में इंस्टॉल करेंगे, जिसके वजह से अगर वो हेवी व्हीकल जाएगा उसका टन 25 टन के ऊपर है तो ये बैरियर डाउन होगा। हमने सिंपली क्या किया है ना, इस जो वेट मेजरमेंट लगा के इस बैरियर के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। जब कोई हेवी व्हीकल इस वेट मेजरमेंट के ऊपर क्रॉस करता है और उसका जो वेट होता है 25 टन के ऊपर होता है तो क्या होगा, ये जो बैरियर है इसे अप हो जाएगा, ऐसे ही अप हो जाएगा टोल गेट के ऊपर, रोड के ऊपर नहीं टोल गेट के ऊपर इसे अप हो जाएगा, जिसके वजह से कि वो जो हेवी व्हीकल है वो क्रॉस करके नहीं जा पाएंगे लाइक दिस। आप देख रहे हैं ये जो हेवी व्हीकल रोड में जो लाइट व्हीकल जा रहा है जिसको कि ये जो हाइड्रोलिक वो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर देखना ये जो रेड स्पीड ब्रेकर है उसमें मैंने क्या किया है ना, हाइड्रोलिक को इंस्टॉल किया है। जब इसके ऊपर एक हेवी व्हीकल क्रॉस करके जाएगा देखना ये जो हाइड्रोलिक पोल है डाउन हो जाएगा लाइक दिस, आप देख सकते हैं। डाउन होने के बाद ये जो हेवी व्हीकल है वो अपना टोल काटने के टोल जो देने के बाद ये जो हेवी व्हीकल बस है वो क्रॉस करके जाएगा, लेकिन उसके पीछे क्या करते हैं ना, कार जैसे चला जाते हैं, लेकिन उसका हालत यही होगा जो कि सडनली 5 मिलीसेकंड के अंदर ये जो हाइड्रोलिक पोल होगा ये अप हो जाएगा, जिसके वजह से वो नहीं जा पाएंगे, आप देख सकते हैं। ये करने के वजह से हमारा जो जो ट्रैफिक जा जो टोल गेट का जो लॉ है ये लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल दोनों ही तोड़ते हैं ज्यादातर समय अपना प्रॉफिट के वजह से, लेकिन हम अगर इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा जो टोल गेट का जो रूल होता है वो हमेशा रिमेन ऑन करेगा, और जिसके वजह से कि हमारा जो लोग जैसे कि लाइट व्हीकल के अंदर हेवी व्हीकल चले जाते हैं और बहुत सारे मतलब बहुत नहीं थोड़ा बहुत लोगों की भी मौत हो सकते हैं जो कि टोल गेट के रूट के अंदर आते हैं। इस मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ ये जो प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंट होगा तो फर्स्टली हमारा जो पेडेस्ट्रियन उनका प्रॉफिट है, जैसे कि वो क्रॉस करके जाते हैं ऐसे स्पीड मतलब एनएच के ऊपर ऐसे हाथ दिखा के जिसमें कि वो एक्सीडेंट का फेस करते हैं और उनकी मौत होती है, उनके अगर इस प्रोसेस को हम डायनामिक प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेंगे अपने इंडियन रोड के तो ये पेडेस्ट्रियन का लाइफ पे सेव करा जा सकता है। सेकेंडली हमने किया है ना सेंसर के ऊपर किया है, जो कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम के जो बैकबोन है उसको भी हम इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हुआ तो। थर्डली हमारा जो हमारा टोलगेट के विषय में मैंने जो अब कहा आपको, अगर उसको टोलगेट के ऊपर किया जाए तो ये भी बहुत मतलब अमेजिंग वे टू प्रोटेक्ट अवर टोलगेट लाइक दिस। थैंक यू।